InfoEdge की सफलता की कहानी। InfoEdge ने दो मुश्किल कार्यों को बेहद आसान बना दिया है, जिससे लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी में परिवर्तन आया है। नौकरी और जीवन साथी खोजना अब मुश्किल नहीं रहा। आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी की जिसने भारत में करोड़ों युवाओं की जिंदगी को बदल दिया। उसने दो बेहद मुश्किल कार्यों को चुटकी में आसान बना दिया। वो दोनों कठिन काम है, बेहतर जिंदगी के लिए अच्छी नौकरी खोजना और शादी के लिए जीवन साथी खोजना। आप ही बताएं, क्या ये दोनों काम आसान है? नहीं ना, इनको आसान बनाया है InfoEdge ने। Naukri.com और JeevanSathi.com इसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इस कंपनी के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस कंपनी को बनाने वाले शख्स का नाम है संजीव बिकचंदानी। उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। संजीव बिकचंदानी जब पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें लगता था कि कुछ बड़ा करना चाहिए। वो चाहते थे कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ समय तक नौकरी करनी है और फिर कुछ बड़ा काम करना है, लेकिन क्या करना है इसके बारे में उन्हें कोई खास आइडिया नहीं था। संजीव ने इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन के साथ आर्ट्स में बीए किया और 1984 में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी पकड़ ली। 3 साल जॉब की। 1987 में जॉब छोड़कर IIM की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद चले गए। 1989 में उन्हें कैंपस प्लेसमेंट इवेंट में GlaxoSmithKline में प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई। इस कंपनी को तब हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स के नाम से जाना जाता था। 1990 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने एक मित्र के साथ दो कंपनियों की नींव रखी। एक का नाम था एंडमार्क और दूसरी InfoEdge। 3 साल साथ में काम करने के बाद 1993 में दोनों पार्टनर्स अलग हो गए। 1996 में दिल्ली में IT एशिया एग्जीबिशन में संजीव ने हिस्सा लिया। वहीं पर उन्हें Naukri.com का आइडिया आया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाने के लिए एक रिटेलर से बात की, लेकिन उसने मना कर दिया। उस रिटेलर ने कहा कि चूंकि सारे सर्वर अमेरिका में हैं, तो वो उनके लिए वेबसाइट नहीं बना सकता, क्योंकि ये सारी वेबसाइट वहीं से होस्ट होती हैं। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें ये काम करना है तो करना है। तो उन्होंने अपने बड़े भाई, जो अमेरिका में एक बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे, उनसे मदद ली और Naukri.com को लॉन्च किया। पहले साल Naukri.com ने मात्र 2.5 लाख रुपए का बिजनेस किया, जबकि 80% जॉब फ्री में उपलब्ध थी। अगले साल 18 लाख का बिजनेस हुआ तो लोगों ने फंडिंग के लिए संजीव बिकचंदानी को फोन करना शुरू कर दिया, मगर बिकचंदानी फंडिंग लेने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि बिना फंडिंग के भी कंपनी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जल्द ही संजीव को लगा कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और बिना फंडिंग के काम नहीं चलने वाला। उन्होंने सन 2000 में ICICI वेंचर से 7.3 करोड़ का फंड लिया और बदले में 15% की हिस्सेदारी दे दी। आज InfoEdge की वैल्यूएशन 85,760 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सन 2006 में ये बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली भारत की पहली .com कंपनी बन गई। InfoEdge ने बाद में JeevanSathi.com शुरू किया। JeevanSathi के अलावा कंपनी के पास नौकरी गल्फ, शिक्षा, 99acres और फर्स्ट नौकरी पोर्टल भी हैं। यही नहीं, कंपनी ने कई दूसरी बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि Zomato, वेकेशन लैब, उन्नति और पॉलिसी बाजार इत्यादि। तो आज हमने आपको InfoEdge कंपनी की सफलता की कहानी बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।